आखिरकार पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा के साथ अपने अलगाव होने की खबरों को कंफर्म कर ही दिया है। कई महीनों से शोएब मलिक और सानिया मिर्जा के अलग होने की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, और अब ये तस्वीरें देखिए, सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें काफी वायरल हो रही हैं, जिसमें शोएब मलिक दूल्हे की ड्रेस में पाकिस्तान की एक्ट्रेस सना के साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल शोएब मलिक ने पाकिस्तानी अभिनेत्री सना जावेद को अपना जीवन साथी चुना है, और एक समारोह के दौरान ये शादी हुई। शोएब मलिक ने खुद इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें पोस्ट की हैं, यानी कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली है। ये शादी ऐसे समय में हुई है जब सानिया मिर्जा से अलग होने की खबरें लगातार सामने आ रही थी। शोएब मलिक ने जिस सना जावेद से शादी की है वो भी तलाकशुदा हैं। पाकिस्तान की मशहूर अभिनेत्रियों में शामिल सना जावेद ने साल 2020 में उमैर जायसवाल के साथ शादी की थी, लेकिन जल्द ही ये बात सामने आने लगी कि इस कपल के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बाद में दोनों ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक दूसरे की तस्वीरें डिलीट कर दी थी, और फिर खबर सामने आई कि दोनों का तलाक हो चुका है। 28 साल की सना जावेद पाकिस्तान की कई टीवी शो में काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो कई म्यूजिक एल्बम में भी काम कर चुकी हैं। आपको बता दें कि बुधवार यानी कि 17 जनवरी को ही सानिया मिर्जा ने एक रहस्यमयी पोस्ट शेयर की, जिससे उनके और शोएब मलिक के साथ तलाक की अफवाहें और भी तेज हो गई। सानिया ने लिखा था, शादी कठिन है, तलाक कठिन है, अपना कठिन चुने। जिंदगी कभी आसान नहीं होगी, ये हमेशा कठिन रहेगी, लेकिन हम अपनी मेहनत चुन सकते हैं। सानिया ने अपने इंस्टाग्राम कहानियों पर जो कोट शेयर किया है उसमें कहा गया है कि बुद्धिमानी से चुने। ये अटकलें तब और तेज हो गई थी जब सानिया मिर्जा ने अपने इंस्टाग्राम से शोएब मलिक के साथ अपनी ज्यादातर हालिया तस्वीरें को डिलीट कर दिया है। 8 जनवरी को ही उन्होंने एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, जब कोई चीज आपके दिल की शांति को भंग करती है तो उसे जाने दे। फिलहाल तो शोएब मलिक ने खुद ही अपनी शादी की बात को कबूल करते हुए इंस्टाग्राम पर जो फोटो शेयर किए हैं उससे ये बात कंफर्म हो चुकी है कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के रास्ते अब अलग हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।